तो शाही लीची वाली जगह पर यानी मुजफ्फरपुर में क्या है माहौल? कितना वोट है आपके घर परिवार में? हमारा तो 10 गो वोट है घर परिवार में। सब लालू जी को दे दीजिएगा? सब लालू के। लालू जी आपको क्या दे रहे हैं? देव नहीं देव, जात है। जात से दे रही है वोट? नीतीश कुमार यहाँ पर सुपर सुपर काम किए हुआ है बिहार में। अच्छा। केवल दारू से उदबे हुए हैं। हाँ। आज दारू चालू कर देंगे बिहार, उनको गड़मुड़िए जनता उलीट कर बालू और दारू सुधार करेंगे, गड़मुड़िए उलीट के वोट फिर देगा। अजय जी 10 साल रहे, यहाँ कुछ नहीं किए, इसीलिए जनता आक्रोश है और ज्यादा वोट जो है राजभूषण निषाद जी के है। आपके इलाके के लोग बीजेपी का मामला, बीजेपी के वोट है, इसलिए बन गए बीजेपी के। बीजेपी बहुत रोड रोड बनवाए। जहाँ की शाही लीची मशहूर है, आज हम उस जगह पर है यानी मुजफ्फरपुर में। तो शाही लीची वाली जगह पर यानी मुजफ्फरपुर में क्या है माहौल? यहाँ लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? अजय निषाद जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहीं राजभूषण जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और हम लोग यहाँ जगह बता देते हैं, ये लालू यादव मोड़ है, सकरी सरैया जगह का नाम है। तो सकरी सरैया में क्या माहौल है? देखिए यहाँ काफ़ी लोग मौजूद मिले हमें, और देखिए चाय की दुकान है, तो शाम का वक्त हो गया, बाबा लोग अपने अपने गांव से आके यहाँ बैठे चाय पानी करने के लिए। कहाँ चाची जोरदार बोल रही है, चाची से पूछ लेते हैं आप। चाची ठीक बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, खुल के बोलिए। वोट दे लालू के, बाकी मोदी न जीते दे छी लालू। हर बेर लालू के हरा रही मोदी। हाँ। हर बेर मोदी कथी कर रही, पब्लिक मर रहा है, मोदी कुछ न कर रही, पब्लिक के मार रहा है। तो लालू को हरा देते बार बार मोदी जी? अच्छा, तो ना लालू वोट छाप के मोदी, और लालू के हरबाई जी मोदी के चमचा से वोट छाप है। अरे बाप रे, क्या नाम है चाची? इधर ही घर है? इधर ही घर है आपका पास? हमारा घर है सकरी सरैया। सकरी सरैया। अच्छा, कितना वोट है आपके घर परिवार में? हमारा तो 10 गो वोट है घर परिवार में। सब लालू जी को दे दीजिएगा? सब लालू के। लालू जी आपको क्या दे रहे हैं? देव नहीं देव, जात है। जात से दे रही है वोट? कौन सी, यादव जी है क्या? क्या राज्य? राय जी हमसे है। राय जी से है? अच्छा, ये यादव जी हैं, राय जी हैं। तो हमरा जितना मोदी कुछ हो चले ना लालू दिल दिन, बाकी जात के लिए हम सब मर रहा है। तो जात से क्या मिल जाता है? जात से खाने को मिलता है? नहीं मिला ची, फिर भी जात है। तो जात से दवाई के लिए पैसा मिलता है? ना मिला ची, फिर भी अपने अपने जान से, बाकी फिर भी जात ला मरे ची आदमी। बाप रे, जाति के लिए इतना प्रेम किस लिए? मतलब जाति में कोई नेता बढ़िया करेगा तब ना वोट दीजिएगा? होता है, बाकी लालू लालू ना है, लालू लालू ना है। एक चांस बेचारा के अगर निकल जाती तो बिहार बनिए रहते। लालू कहाँ प्रधानमंत्री बन रहे हैं? लालू तो नाम बेचारे बूढ़े हो गए हैं, उनका बेटा ना तेजस्वी। हाँ, तो बेटे बनता थी, बाकी बनता क्या बनता है बेटा? हाँ, हम तो कहली बने लाभ, नसीब नसीब उनका साथ देती तो बनिए। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा अजय कुमार। अजय कुमार नाम। अजय जी, पूरे मुजफ्फरपुर में किसकी लहर है, आपको क्या लगता है? लहर तो अभी माने ये नहीं कहा जा सकता जी किसी एक का है, प्रचार प्रसार या लहर दोनों सेम और टक्कर है जी, टक्कर है, मुकाबला है, मुकाबला 50-50 का मुकाबला जी, 50-50। क्या नाम सर आपका है? ये तो मेरा नाम सुरेश सिंह कुशवाहा। कुशवाहा जी, इधर क्या माहौल है मुजफ्फरपुर में, जरा बताइए ना यहाँ का क्या समीकरण है? यहाँ 70% बीजेपी का वोट है। अच्छा, 30% अभी है, आज के रैली देख के उसमें से भी आगे बढ़ेगा बीजेपी का तरफ। अच्छा, बीजेपी के जो अजय निषाद थे, अब तो वो कांग्रेस के टिकट लेंगे? अजय निषाद को 30 साल उनका परिवार में वोट दिया गया है। हाँ। वो कुछ नहीं किए हैं, अगर सकरी सरैया पंचायत में हमको वोट दिखा दे अजय निषाद। हाँ। एक वोट नहीं है, और बीजेपी ने टिकट काट दिया तो कांग्रेस का टिकट, बीजेपी को उनका टिकट कटवाया गया है। माला यादव कुशवाहा से मिलकर उनको हटाइए, किसी जात को दीजिए उसको वोट दिया जाएगा बीजेपी से, इसलिए उनको हटाया गया है। और बैंग लेख ही छोड़ आपके फिर चले आए हैं। बीजेपी भी तो राजभूषण चौधरी को लेकर आई है ना, ये तो महागठबंधन के साथ ही थे पहले थे। हाँ। ये बोले ना, जब उनको वोट नहीं देने के कारण उनको साइड हुए हैं, तो वो माने इस पर चले आए हैं, उनको वोट उठ पड़ेगा नहीं कुशवाहा से या फॉरवर्ड लोग से, बनिया वर्ग से। नीतीश कुमार यहाँ पर सुपर सुपर काम किए हुआ है बिहार में। अच्छा। केवल दारू से उदबे हुए हैं। हाँ। आज दारू चालू कर देंगे बिहार, उनको गड़मुड़िए जनता उलीट कर बालू और दारू सुधार करेंगे, गड़मुड़िए उलीट के वोट फिर देगा, प्रधानमंत्री बनाने के ताव रखेगा बिहार का हमारा जनता। ये बात है जी, केवल दारू से उदबे हुए हैं। अच्छा। आज दारू चालू कर देंगे बिहार, उनको वोट का कमी नहीं रहेगा। बीजेपी जिंदाबाद, बिहार का नंबर 1
नीतीश कुमार बनाया किसान को, लालू यादव ने कुछ नहीं किया। लालू यादव भी किए, बहुत अच्छा किए हैं। हम लोग बैकवाट का बहुत स्थान बढ़ाए, नाम दिए, बहुत माने अच्छे अच्छे वो भी हम लोग का ऊपर बढ़ाए हैं, जाति को चाय पी रहे भैया। इधर आइए, नहीं है इधर पे। क्या नाम है आपका? पानी चाय ग्लास में क्या पी रहे हैं? आपका दुकान है क्या? उधर से पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे, गिलास में चाय पीते हैं वे। ये है बिहारी, असली बिहारी है ये, चाय गिलास में पी जाती है, कप वप नहीं चलता है। जी जी, चाय प्लीज, चाय ठंडा होगा चाय। आपको चाय दीजिए, हम बात बताते हैं पहले। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? तुर्की का। तुर्की किधर? तुर्की का इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी माहौल ज्यादा लहर है कि इधर राजद की लहर है, कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की भी है, राजद की भी है, दोनों का लहर है, प्रचार मिश्र है, दोनों तरफ से चल रहा है। जी जी जी, चलिए मिला जुला लोग बात बता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, राहगीर है, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? देखिए यहाँ तो रास्ता ही नहीं हमारे लिए निकलने के लिए, इधर से आते हैं आइए थोड़ा सा। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, देखिए स्कूटर वगैरह रोक के बकायदा बातचीत सुन रहे थे, तो हम भी पहुँच गए। क्या नाम है भैया आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, इसी इलाके के हैं आप? बिल्कुल। तो क्या है आपके इलाके में? देखिए यहाँ की शाही लीची के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, यहाँ के माहौल में क्या चर्चा हो रही है? दोनों पार्टी का यहाँ पर है, इंडिया गठबंधन का भाई, एनडीए का। हाँ, तो ज्यादा किसके? 19-20 फिर भी बताइए ना। 19-20 यहाँ पर तो ज्यादा अजनी साथ का जाते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट है। आपका क्या माहौल है? देखिए यहाँ माहौल जो है ना, अजय जी 10 साल रहे, यहाँ कुछ नहीं किए, इसीलिए जनता आक्रोश है और ज्यादा वोट जो है राजभूषण निषाद जी के है। अजय निषाद तो कांग्रेस की तरफ से खड़े, तो उसका असर नहीं पड़ेगा कि राहुल गांधी के कैंडिडेट है? नहीं नहीं, यहाँ जो है ना केंद्र में जो है ना मोदी जी ठीक है। हाँ, फिर आएगा बिहार में, बिहार का विधानसभा होगा तो उस समय देश भी देखा जाएगा। ये कुल में आके माहौल है यहाँ पर कि काफी गाड़ी गाड़ी रोक के लोग देख रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आ रहे हैं? कुमार गुप्ता। पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बस इसी जगह से। इधर के है तो बता दीजिए, इधर क्या माहौल है? हाँ भैया, अच्छा क्या माहौल है इधर? ये दोनों तरफ से है। दोनों तरफ क्या होता है आप बताइए, आपके इलाके के लोग? बीजेपी के हैं, बीजेपी का माहौल, बीजेपी के वोट हैं, इसलिए बन गए बीजेपी। बीजेपी बहुत रोड रोड बनवाया है, बहुत सारा किसान का सम्मान। पहले गाड़ी चलाते थे, आज से 10 साल पहले तो सड़क में गड्ढे कितना मिलते थे? बहुत ज्यादा मिलते थे, अब एकदम साफ क्लीन, बढ़िया से क्लीन करके आए, क्लीन करके है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो यहाँ कुछ राहगीरों से बात कर ली है, और बाबा इनमें से पूरा चुनावी माहौल इन्होंने अपना तय कर लिया है कि आपसे बतिया लेते हैं। बाबा बाबा लोग तो बोलने से बच रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैसे कि भोला राम है। भोला जी, आप मास्टर भी है, टीचर है? स्कूल गेली रहा, तनका पढ़ के छोड़ दिलिये गरीबी हालात में, तो हम कथी पढ़े जाऊ, पैसा कोई न रहे तो न पढ़ ली। बता दीजिए जरा माहौल क्या है इधर? क्या बड़ा बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया माहौल है, सबके माहौल बढ़िया है, कोनो के कमी कहीं ना टक्कर में। हाँ हाँ, चोर चोर मौसेरा भाई मिला हुआ है ना, चोर चोर मौसेरा भाई के टिकट काटला बदली हो गया, बस सब माहौल ठीक है, कोई कहीं से गड़बड़ ना है। हाँ, अच्छा मोदी जी और लालू जी में इधर किसके लिए ज्यादा लोग है? सब अपना अपना जगह पर है, सब अपना अपना तैनात है, बढ़िया। दारू बंद करा के आ गरीब के फांसी खिंचवा देलन, दिक्कत हो रहा है। माले माल जैसे का पुलिस वाला बन गेल, दारू पकड़ा जाइए, ट्रक गाय देखा दे, या गायब हो गए, ट्रक कहाँ चल गए, विशेष क्या बोलवाइए, बोल देंगे बहुत विशेष बात न बोलवाइए। चलिए कुल मिला के हमने लोगों से बातचीत कर ली है, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या माहौल है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर बीजेपी का नाम इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से लोग बीजेपी को ज़्यादा वोट दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अजय निषाद को लेकर इसलिए गुस्सा है क्योंकि 10 साल से वही यहाँ के सांसद रहे, अब वो बीजेपी के टिकट पर नहीं कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो दोनों तरफ से लोगों को नाराजगी है। शायद अगर अजय निषाद बीजेपी के कैंडिडेट होते तो कुछ वोट उनको पड़ते मोदी के नाम पर, यही हालात हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पर 4 जून को। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।